हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। बात करेंगे जो चेंजेस होने वाले हैं, जो क्रिकेट में हम बात करें और ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद ये फैसला लिया गया है, और कैसे अगर इंडियन क्रिकेट की बात करें तो वो आपको जो इम्पैक्ट होते हुए दिखेगा वो सबसे पहले दिखेगा भारत का जो साउथ अफ्रीका दौरा है उसमें। हालांकि अगेन इसमें देखना पड़ेगा क्योंकि इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी उसी टाइम फ्रेम में आ रही है, बट क्योंकि वो मिडल ऑफ द सीरीज होगा, 3 T20 मुकाबले ऑलरेडी हो चुके होंगे, तो शायद हो सकता है कि बीच में आकर वो इम्पैक्ट ना करे। क्योंकि जब नए नियमों का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं तो उसको अमूमन देखते हैं कि एक फ्रेश सीरीज जो होती है वहां से उसको स्टार्ट होते हुए देखते हैं। तो इस केस में जो इंग्लैंड का जो वेस्टइंडीज दौरा है वहां से शुरू होगा, तो सब आपको बताएंगे। और थोड़ा गेम की जो पेस है वो बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है। और आप यहां पर देख रहे हैं कि भाई सारे कप्तान हैं जिनमें से हम देख रहे हैं वनडे के कप्तान है, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में ही वनडे और T20 इन जगहों पर आपको ये नियम जो है बदलते हुए दिखेगा। तो सबसे पहले नियम क्या कुछ कहता है वो आपको समझाते हैं, और फिर कैसे हम जो इंडिया की बात करें कि इंडिया का जो साउथ अफ्रीका दौरा है वहां पर किस तरीके से चीजें इंपैक्ट हो सकती हैं वो भी आपको समझाएंगे। कोशिश ये है कि समय जो है कम से कम वेस्ट हो, जो हम कहते हैं भाई कि ड्यूरेशन, एक इनिंग्स कितने टाइम में खत्म हो जानी चाहिए या फिर पूरे मैच में कितना वक्त रहना चाहिए, या वनडे हो या T20 हो, तो उस पर आप टाइम वेस्टेज ना हो, इस लिहाज से कदम लिया गया है। तो आपको दिखा देते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या कुछ वो नियम कहते हैं, और जो बदलाव है उस बदलाव के लिहाज से अब स्टॉप क्लॉक जो है एक तरीके से अंपायर्स के पास रहेगी, वो मॉनिटर करेंगे ताकि वो देखेंगे भाई कि पेस ऑफ प्ले किस हिसाब से चल रही है ओडीआईज और T20s। अब 60 सेकंड्स फॉर चेंज ऑफ ओवर्स, यानी कि एक ओवर फेंका गया, अगला ओवर शुरू करना है आपको विद इन दीज 60 सेकंड्स, तो आप 60 सेकंड के अंदर जो है अगला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होना चाहिए गेंदबाजी के लिए, और बल्लेबाज को तो ऑब्वियसली तैयार रहना पड़ेगा। अगर ऐसा करने में कोई भी फील्डिंग साइड सक्सेसफुल नहीं रहती, जो आप देख रहे हैं अगला 5 run penalty इफ द डिले हैपन्स थ्राइस, यानी कि मान लीजिए आप जो हम कह रहे हैं कि जहां से शुरुआत होनी है वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच मुकाबला है, इंग्लैंड की टीम गेंदबाजी कर रही है, और 3 बार ऐसा होता है कि इंग्लैंड की टीम 60 सेकंड से पहले वो ओवर लेकर नहीं आ पाई, तो वहां पर उनको 5 रनों की पेनल्टी लग जाएगी, यानी कि जो बैटिंग साइड है उसको 5 रन आप अवार्ड कर दोगे, तो आपको 5 रन बैटिंग में सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे वहां पर अगर आप 3 बार ये गलती करोगे। अगेन 3 बार आपने रिपीट करी तो फिर 5 रन और जुड़ाएंगे, यानी ये होता रहेगा, जितना आप 3-3 बार ये डिले करोगे उतनी बारी 5-5 रन जुड़ते रहेंगे। और ये इसीलिए जो हम कह रहे हैं कि ताकि गेम का पेस जो है बहुत ज्यादा रुके ना, काफी बारी हमने देखा है कि होता है T20 क्रिकेट में भी, इनफैक्ट जब हम IPL की बात करते हैं तो मैचेस बड़े लंबे लंबे चल रहे होते हैं। हाँ, इसमें वो 60 सेकंड की विंडो में सपोज कोई इंजरी का केस है या कुछ और चीज हुई है तो उसको जरूर अंपायर जो है अलग से मॉनिटर करेंगे, वो इसमें नहीं आएगा। और जैसे हमने कहा कि ट्रायल जो शुरू होगा इसके लिए एक ट्रायल के तौर पर पहले देखा जाएगा, जो विंडो है दिसंबर से लेकर अप्रैल 2024 तक है, यानी कि ये अगले 6 महीनों में आप देखोगे दिसंबर से अप्रैल। अब देखना पड़ेगा अगर उस तरीके से नियम पास हो जाता है देन आप इसके आगे एक तरीके से दुनिया भर की जो T20 लीग्स होती हैं वो क्या कुछ रहती है, क्योंकि T20 लीग्स के आपने देखा है कि अलग अलग तौर तरीके रहते हैं उनके। जैसे जहां तक मुझे शायद 100 में जो फील्डर वाली पेनल्टी लगती थी स्लो ओवर रेट पर वो सबसे पहले लगना शुरू हो गई थी, फिर देन उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने देखी, फिर IPL में भी आपको दिखता है। और ये जो एज ऑफ नाउ जो पता चला है वो है वेस्टइंडीज वर्सेस इंग्लैंड ODI सीरीज, जहां पर पहला वनडे जो है 3 दिसंबर को शुरू होना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा नियम और क्यों मैंने कहा, हालांकि भारत को जो है वो मुकाबले खेलने हैं आई थिंक 1 तारीख को और 3 तारीख को भारत का T20 मुकाबला जो है, 1 और 3 को भारतीय टीम खेल रही होगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बट क्योंकि वो मिडिल ऑफ द सीरीज है तो शायद वो नियम की जो हम बात कर रहे हैं तब शायद इन द मिडिल ऑफ द सीरीज शायद शुरू नहीं होगा। तो भारत का जो साउथ अफ्रीका दौरा है, तो इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका में आप इंडियन क्रिकेट के लिहाज से हो सकते हुए चेंज देखो, जहां पर T20 सीरीज से शुरुआत है वहां पर 10 तारीख से जो है T20 सीरीज का आगाज है, और फिर उसके बाद बात करें वनडे सीरीज की तो 17 दिसंबर से है, तो दिसंबर से अप्रैल आपको इसी तरीके से क्रिकेट देखने को मिलेगी, और फिर उसके बाद ICC ये फैसला लेगी कि आगे इसको बिल्कुल लागू कर देना चाहिए, तो देन हो सकता है आप आगे IPL T20 वर्ल्ड कप उन हर एक जगहों पर देखो, टाइम वेस्टेज टैक्टिक्स और ये सब उसमें ना हो और वक्त पर ओवर हो जाए। इसमें अलग अलग पेनल्टीज ऑलरेडी पहले से लगती थी जहां पर फाइन किया जाता था मॉनिटरी, फिर उसके बाद नई चीज इंट्रोड्यूस हुई कि भाई आपका जो है सर्कल से जो बाहर फील्डर है उससे आप एक फील्डर और आपको अंदर डालना पड़ता है अगर आप उस समय तक आखिरी ओवर नहीं फेंक रहे होते थे, तो ये अलग अलग नियम थे जिसमें एक और पहल यहां पर करी गई है वो स्टॉप क्लॉक की। अब ये नियम बदला है क्रिकेट, वाइट बॉल की क्रिकेट बदली, ये भी देखना पड़ेगा कि इंडिया की वाइट बॉल क्रिकेट कितनी बदली है, क्योंकि भले ही ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया वाली यहां पर आपने अहम सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया है, बट जब आप साउथ अफ्रीका जाओगे जब पहला T20 खेल रहे होंगे उस दिन साउथ अफ्रीका वर्सेज इंडिया, हार्दिक पर अभी सवाल है लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या रोहित शर्मा विराट कोहली ये उस T20
टीम में होंगे या नहीं, क्योंकि वो आपको क्लैरिटी देगा कि T20 वर्ल्ड कप एज ऑफ नाउ आप कैसे सोच रहे हो। तो ये नियम आपको कैसे लगा, और साथ साथ ये भी बताइए कि आपको क्या लग रहा है जो भारत की अगली T20 की टीम आएगी जहां पर साउथ अफ्रीका में सारे प्लेयर्स होंगे। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए तो आपको पता है ऑब्वियसली जाएंगे ये सारे सीनियर खिलाड़ी, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि इंपॉर्टेंट असाइनमेंट टेस्ट सीरीज भी है। तो आपको क्या लगता है कि ये खिलाड़ी क्या वापस आएंगे, इस पर भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। अभी के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।